गुड मॉर्निंग मैडम। कौन हो तुम? जी मैं यहाँ पर नया सिक्योरिटी गार्ड हूँ। विवेक, विवेक। क्या हुआ मैडम? किसने हायर किया इसको? मैडम वो सिक्योरिटी कंपनी ने भेजा है, हमको कमी पड़ी थी ना गार्ड्स की। मतलब रोज सुबह सुबह ये भद्दी शक्ल देखनी पड़ेगी मुझे। मैडम अब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था तो इनको भेजा है। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। सुनो मुझे कम ही दिखना तुम। आयुष क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ? मैडम वो साहब आए थे बाबा को छोड़ने, उन्होंने बोला इन्हें आपके केबिन तक छोड़ दूं। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारा डरावना चेहरा देख के मेरा बेटा डर जाएगा। लेकिन मैडम वो क्या, लेकिन जितना कहा जाए ना उतना करो, समझ में आई? और कल से अपना मनहूस बदसूरत चेहरा ना ढक कर आना। चलो आयुष। तुम लिफ्ट से जाओगे? जी मैडम। तुम मेरे साथ लिफ्ट से जाओगे? ऐसा है सीढ़ियों से निकलो, चलो। पर मैडम मैं 25वें माले पे जाना है, मैं इतना भारी सामान लेकर कैसे जाऊंगा? तो समझ नहीं आ रहा, मैं जाऊंगी ना इस लिफ्ट से, अपना मनहूस चेहरा लेके निकलो यहाँ से। पर मैडम, मैडम अंकल आप यहाँ कैसे? बस बेटा ऐसे ही, उस हादसे के बाद फायर डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट ले लिया, खाली बैठा था, सोचा गार्ड की नौकरी ही कर लूँ। सही किया अंकल। अच्छा बेटा चलता हूँ। ठीक। आकाश तो जानता है इसे? हाँ दीदी। पर कैसे? दीदी याद है 4 साल पहले मेरे घर में आग लगी थी। हाँ। तो ये वही है दीदी जिन्होंने आर्यन की जान बचाई थी। वो फायर फाइटर? हाँ दीदी, इन्होंने ही मेरे बेटे आर्यन को बचाया था, और उसको बचाते बचाते इनका खुद का चेहरा जल गया। क्या? हाँ दीदी बेचारे। दीदी दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, तू बैठ, मैं आ रही हूँ। तुम्हारा डरावना चेहरा देख के मेरा बेटा डर जाएगा, और कल से अपना मनहूस बदसूरत चेहरा ना ढक कर आना। सुनिए नहीं नहीं आप अपना चेहरा मत कवर करिए प्लीज। आकाश ने मुझे बताया हमारी फैमिली के ऊपर आपका कितना बड़ा एहसान है। इसमें एहसान की कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरी ड्यूटी थी, मेरा फर्ज था। मैंने आपके चेहरे को देख के आपको इतना बुरा भला कहा, मैं बहुत गलत थी, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मैडम। अब से आपको इस ऑफिस में पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Judging anyone on the basis of their physical appearance will definitely not create a progressive society. Let's try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive.
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.